तो भाई लोग इंटरनेशनल लीग की 20 का जो मैच नंबर 30 है ना, ये खेला जाएगा शारजा वेरियस वर्सेस रिजॉर्ट वाइपर्स के बीच में। अगर शारजा वेरियस ये मैच जीत जाता है तो प्ले ऑफ में अपनी जगह बना लेगा, अगर हार जाता है तो रन रेट पे बात आ सकती है। वहीं रिजॉर्ट वाइपर्स की बात करें, अगर ये मैच हार गया तो उनका किस्सा कहानी खत्म हो जाएगा, उनको रन रेट भी ना बचा पाएगा। लेकिन मैच जीत जाते हैं तो रिजॉर्ट वाइपर रन रेट के बदौलत में भी प्ले ऑफ में जगह बना सकता है। मतलब जो मैच है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, तो दोनों टीमें जोर तो लगाएंगी, जब जोर लगाएंगी तो मैच कड़ाकेदार होगा, जब कड़ाकेदार मैच होगा तो कौन जीतेगा भाई साहब, शारजा वेरियस या रिजॉर्ट वाइपर्स, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, अभी तक 3 मैच खेले गए जिसमें से एक मैच जीता शारजा वेरियस ने जो इस सीज़न खेला गया, पिछले सीज़न जो 2 मैच खेला गया था दोनों मैच रिजॉर्ट वाइपर्स ने अपने नाम पर किया था। यानी पिछले सीजन रिजॉर्ट वाइपर्स दोनों मैच जीता, तो क्या शारजा वेरियस इस सीजन दोनों मैच जीत पाएगा? एक मैच तो जीत चुका है ना, फिर रिजॉर्ट वाइपर्स बोलेगा ना 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 ऐसे ना होने देंगे, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप भी ना भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, थोड़ा तो सपोर्ट आप मेरा कर सकते हैं ना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही करना भाई साहब, वीडियो को लाइक करना, कर दिया बहुत बढ़िया। और साथ में ना भाई का टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि पता है ना क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं और उन सभी मैचों की जो वीडियो है ना वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलती ही मिलती है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक ही मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, सभी मैचों की जबरदस्त प्रेडिक्शन चाहिए तो जाओ ज्वाइन कर डालो। तो भाई लोग अगर हम इस मैच की बात करें तो संडे 11 फरवरी इंडिया टाइम अनुसार 8 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं और यह मुकाबला खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा के मैदान पे। इस मैदान पे इंटरनेशनल T20 के 12 मैच खेलेगा, जिसमें से 6 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड, 6 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज, मतलब चेज और डिफेंड बिल्कुल बराबर से हुए हैं। एवरेज स्कोर है 160 रन, टारगेट चेज की बात करें 152 के रेंज स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 168 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकते हैं। 152 से 168 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना अभी मामला बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना वो ग्रोस है, सॉरी वो ड्राई एंड हार्ड है। जब ड्राई एंड हार्ड सरफेस होता तो क्या होता, जब तक बॉल नया होता तब तक बैट पे आता भाई साहब, लेकिन जैसे बॉल की शाइनिंग खत्म होती पिच यूज हो जाता है, यहाँ की जो कंडीशन होती बिल्कुल स्लो हो जाती, जब कंडीशन स्लो हो जाएगी तो जो स्पिनर्स गेंदबाज हैं वो आते हैं गेम में, जो उनकी बॉल होती काफ़ी ज़्यादा घूमती भी है और बॉल बैट पे रुक कर भी आता है। स्पिनर्स छोड़ो, जो तेज़ गेंदबाज स्लोवर का नकल बॉल का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ना, उनके भी सामने रन बनाना छोड़िए विकेट बचाना भी मुश्किल हो जाता है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 53 से 66 मीटर की नन्ही सी बाउंड्री है, फिर भी भैया चौके छक्के छोड़ो सिंगल बनाना मुश्किल हो जाता है, इतनी स्लो यहाँ की पिच हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो मैचेज होते हैं अक्सर आपको मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलते हैं। पावर प्ले की बात करें तो 47 से 52 के आसपास देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 155 से 170 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो शारजा वेरियस ने 8 मैच खेला, कितने जीते 2, हारे कितने 6, यानी शारजा वेरियस अपने घर में बिल्कुल फिसड्डी यार, मतलब 8 मैच सिर्फ 2 ही जीता। वहीं बात करें रिजॉर्ट वाइपर्स की, इन्होंने 3 खेला 1 जीता 2 हारे, तो इनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी नहीं है। शारजा वेरियस रिजॉर्ट वाइपर्स के बीच में 2 मैच खेले गए, दोनों टीमों ने 1-1 मैच अपने नाम पे किया, मतलब इस मैदान पे दोनों टीमों ने बराबर की लड़ाई करी है, एक शारजा जीता तो एक रिजॉर्ट वाइपर्स जीता। तो आज के मैच में क्या होगा भाई साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शारजा वेरियस की। तो निलसन डोकोयला की बात करो तो किसी मैच में चलते हैं किसी मैच में नहीं चलते, टॉम कॉलर कोडमायर की बात करें तो भैया एक आता 2 मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करी ही नहीं तो टाइट टाइम फिस रहे। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो ना तो एसए की 20 में बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी फ्रॉफी है, बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। हाँ सीन विलियम्स की बात करो, सीन विलियम्स ने एक आता 2 मैच में ठीक ठाक बल्लेबाजी करके दी है। बाकी अगर हम यहाँ पर डेनियल सम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं डेनियल सम्स ने बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करी है सभी के सभी मैचों में, एक आता 2 मैच हटा दिया जाए तो। जेम्स फुलर भी एक आता 2 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है। क्रिस वॉक्स की बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं एक आता 2 मैच छोड़कर, बीच में जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी करके इन्होंने बढ़िया दी थी। आदिल रशीद की बात करें तो आदिल रशीद उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है शारजा के मैदान पर बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं आज के मैच में, क्योंकि पिच
उनके मन मुताबिक है। जुनैद सिद्दीकी की बात करें तो जुनैद सिद्दीकी भी बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे सारे, हालांकि मैच खेले नहीं। मोहम्मद जवादुल्लाह की बात करें, मोहम्मद जवादुल्लाह ने बढ़िया गेंदबाजी लगभग करके दी है। मार्टिन गुप्टिल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं, तो मार्टिन गुप्टिल का कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। अगर हम यहाँ पे देखें जो परफॉर्मेंस है ना शारजाह वेरियर्स की, आधी अधूरी कहानी टाइप की, कुछ बढ़िया करते हैं कुछ खिलाड़ी बढ़िया नहीं कर पाते। तभी तो जो 9 मैच खेला उसमें से 4 मैच जीते 5 मैच हार गए, मतलब एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। निजात वाइपर्स की बात करें तो रोहन मुस्तफ़ा लगभग फ्लॉप ही रहे सभी मैचों में, एक आधा दो मैच हटा दिया जाए। तो एलेक्स हेल्स की बात करें तो हाँ, एलेक्स हेल्स अगर एक दो मैच में बढ़िया करते तो एक आधा मैच में फ्लॉप भी हो जाता है। लगभग एलेक्स हेल्स ने ठीक ठाक बल्लेबाजी करी है। फ्रिप सोल्ड ने पिछला मैच खेला तो बहुत अच्छी नहीं, लेकिन शुरुआत अच्छी दिलाई थी, लेकिन अभी SS20 जो खेला था वहाँ पे फ्लॉप ही रहते हैं फ्लिप सोल्ड। माइकल जोन्स की बात करते पिछले मैच में बढ़िया पारी खेली थी, लेकिन सिर्फ पिछले मैच खेला मैं, उससे पहले एक आता दो मैच में ठीक ठाक खेला था, नहीं तो नहीं रहते। बात करें कॉलिन मुंडो कप्तान की, ये भी 2-4 मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करे तो 5-6 मैच में या 2-4 मैच में फ्लॉप भी हो गए। सैम करन की बात करते पिछले मैच में गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करी थी, लेकिन बल्लेबाजी की बात करते बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन सैम करन की जो फॉर्म है वो ठीक ठाक है, क्योंकि ऐसे टी20 में ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे थे। एडम हॉस की बात करते एडम हॉस भी एक आता दो मैच या 3 मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करे तो 3-4 मैच में ये भाई साहब भी फ्लॉप रहे। डेनियल लॉरेंस की बात करो तो डेनियल लॉरेंस भी कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। अली नसीर की बात करो तो ठीक ठाक गेंदबाजी करिए, पिछले मैच में मैच तो जिता ही दिया था, लेकिन आखिरी बॉल पर छक्का देकर हरा भी दिया अली नसीर ने। हाँ, मोहम्मद आमिर की बात करो तो मोहम्मद आमिर ने लगभग सभी मैचों में जबरदस्त गेंदबाजी करके दी है, एक आता दो मैच छोड़ दिया था, तो सभी मैचों में किफायती रहने के साथ साथ विकेट भी चटका है। नाथन स्वेटर की बात करें तो ठीक ठाक गेंदबाज है, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। मथीसा पथिनालो को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करता है डिजार्ड वाइपर्स, लेकिन एक आता दो मैच में या 3 मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, बाकी 3-4 मैच में काफी ज्यादा इनकी पिटाई हुई थी। अगर हम यहां पर देखें तो जो डिजार्ड वाइपर्स की परफॉर्मेंस है ना, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब 2-4 खिलाड़ी बढ़िया करते तो 2-4 खिलाड़ी फ्लॉप भी हो जाते। तभी जो इन्होंने 9 मैच खेला उसमें से 3 मैच जीता 6 मैच हार गए, इनके 6 पॉइंट्स थे। तो अगर दोनों टीमों की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही, चाहे डिजार्ड वाइपर की बात कर लो या फिर शारजाह वेरियर्स की बात कर लो। तो कौन सी टीम जीतेगी आज का ये मैच, चलो हम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे लिए छोटा सा काम कर दो, क्या भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सपोर्ट तो कर सकते हो ना, कर दिया बहुत बढ़िया। तो सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो मैच है ना वो तो 50-50 शारजाह वेरियर्स एंड 50 डिजार्ड वाइपर्स, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है जो आज का मैच है ना शारजाह वेरियर्स अपने नाम पे कर सकता है। लेकिन भाई लोग इस मैच की जो फाइनल वाली प्रेडिक्शन आएगी ना वो मेरे टेलीग्राम पर आएगी, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी आपको पता ना क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं और उन सभी मैचों की जो वीडियो है ना वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई साहब, लेकिन उन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रोडक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अक्षा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन कर डालो। बाकी मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।